हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनल की दुनिया। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं रेडी हूँ अपने जिम जाने के लिए। लेकिन आज लिटिल बिटिल लेट हो गए क्योंकि जाके फ्रेश हो गए, तो आज बच गया है 6:15 तक का। तो चलो पहले फटाफट से चलते ताकि और देर ना हो। बाय मम्मी। बाय। पेपर भी आ गया आज तो। आज ब्रेकफास्ट में बनाया था मम्मी ने ये ओट्स का चेला, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और सबको अच्छा लगा, हमें नैन्सी को। और यहाँ पी रही हूँ थोड़ा सा मट्ठा और दिस इज़ सो यम। और घर पे बना है, पोहा ही बना है, पूड़ी बनी है। सो गाइस, कोचिंग से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं मम्मी के साथ थोड़ा काम से बाहर। आज ना जिम से आने के बाद सीधे हम कोचिंग आ गए, इतना काम था, फटाफट निकला, टाइम ही नहीं मिला अपडेट करने का। लेकिन अब कोचिंग ओवर हो रही है, दिन के बज रहे हैं 12 और अब मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ शिवालय। चलो चलते हैं। तो यहाँ पे ना मेला लगा हुआ है, तो मे भी मैं आपको कल दिखाऊंगी कि किस चीज़ का मेला है। तो आज यहाँ पे लगा था आयोलाल झूलेलाल का मेला और अब मैं डायरेक्ट पहुंच गई हूँ शिवालय की मार्केट में। बीच में मैंने कुछ शूट नहीं किया, बहुत ज़्यादा पानी भी गिरा, पानी गिर के बंद भी हो गया, काफ़ी कुछ हुआ तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और अब हम लोग शिवालय से जा रहे हैं, एक्चुअली कुछ काम है हम लोगों को शिवालय के अंदर के मेन मार्केट में। ये शिवालय का मेन गेट है तो बस जा रहे हैं। और यहाँ पर ना जन्माष्टमी की वजह से बहुत सारी कृष्ण जी के ड्रेसेस थे, उनके झूले। और अच्छा बताइए, ये टेंपल कौन कौन जानता है, कौन कौन इसके अंदर गया है? और सारा काम हो गया है और अब मैं वापस जा रही हूँ। और अगर आपने मेरे पहला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ से मैंने शॉपिंग की है पहले भी, और इनके पास ना काफ़ी अच्छा सामान होता है। तो आज भी हम लोगों ने कुछ लिया और फिर लगी थी भूख, तो आ गए हैं हम लोग एक रेस्टो में और यहाँ पे खाना है डोसा, वो बहुत ज़ोर की लगी है। मम्मी जस्ट सामने बैठी हैं और ये जस्ट सामने लगा हुआ मेन्यू कार्ड। पता है यहाँ रेस्टोरेंट की एक ख़ास बात ये है कि आप जिस भी तरफ बैठोगे आपके सामने मेन्यू कार्ड लगा बड़ा बड़ा सा। तो आ गया है हम लोग का यमी यमी सा डोसा। और पता है यहाँ के सारे फास्ट फूड बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और अच्छा, कौन कौन है जो डोसे के आलू से पहले पेपर डोसा खा लेता है? मैं तो उसमें से ही हूँ, जैसे डोसा आता है साइड के जो क्रिस्पी रहता है पहले उसको खाती हूँ। बहुत ज़्यादा यम बना है, सामर बहुत अच्छा था। सो गाइस, हम लोगों ने डोसा खा लिया, बहुत यम था, यम था भी और भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। शाम को 4 बज गए थे और हम लोगों ने डोसा खा लिया। मम्मी ने ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि मम्मी को कढ़ी चावल खाने हैं, तो उन्होंने स्पेशली बोला कि हम नहीं लेंगे ना, हम खाएंगे तुम्हारे साथ, हमको कढ़ी चावल खाने। पर मैंने खाया और नैन्सी के लिए पाव भाजी पैक करा ली है क्योंकि वो बोल रही थी पाव भाजी खाने के लिए। और बाकी लिटिल बिटिल सामान है जो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। मेरे घर की रास्ता अब थोड़ी दूर है, मतलब 5-10 मिनट का रास्ता। चलो फटाफट चलते हैं घर, और घर जाके पहले तो कपड़े चेंज करते हैं, देन कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं, कुछ फ्रेश होते हैं। और चलिए घर जाके देखते हैं क्या हो रहा है घर, नैन्सी ने क्या किया पूरे दिन, ये भी देखते हैं। ठीक है, चलिए। हे गाइस, गुड इवनिंग, शाम हो गई है, 4:30-5 हो रहे हैं और मैं घर आई, फ्रेश वगैरह हुई और घर बैठ गई थी क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था, कोचिंग, जिम, कोचिंग, फिर मम्मी के साथ, तो थोड़ी देर में यहाँ लेट गई थी। तो चलो बाहर चलते हैं क्योंकि उन्हें चाय नहीं पी है, बाहर चलते हैं। सो गाइस, आज मैं क्या क्या लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हटा लेते क्योंकि मुझे बोल रहे हैं तो हम तो सुनेंगे नहीं। तो हम लाए थोड़ा सा सामान कांच का, तो वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है स्टोर में, मैंने आपको दिखाया वीडियो में कि कितनी प्यारी प्यारी से चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं दिस बाउल से, ये ओवन फ्रेंडली भी है, आप इसे ओवन में भी यूज़ कर सकते हो और अदरवाइज़ ये भी। मेरे यहाँ ना ओवन का जो ये बाउल है
वो इतने बड़े साइज में। तो समटाइम होता ना कि कुछ थोड़ा सा गर्म करना होता है, जैसे दाल है या कुछ भी, तो एक लोगों भर का, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी रहेगी। तो एक ये लेके आया, और इसमें एक चीज़ और है कि हेयर ऑयल भी गर्म कर सकते हैं अगर लगाना हुआ। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम तीनों लोग, मम्मी, हम, नैन्सी, तीनों का प्लान बन जाता है एक दिन पे करने के लिए, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। और एक ये जार लेके आए हैं छोटा सा, ऐसा मैं पहले भी लेके आई थी हेयर ऑयल बनाने के लिए होममेड, पर वो ना हम लोग ने मंदिर पे रख दिया, उसमें ड्राई फ्रूट्स रख के भगवान जी के लिए, और तब से फिर गई नहीं। अब गए तो ये लेके आए। बहुत सारे कांच के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेरे यहाँ जार हैं, मोस्टली चीज़ें उसी में रखी जाती है, क्योंकि कांच की चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं कोई चीज़ स्टोर करने के लिए। पर ये खुल क्यों नहीं रहा? खुलेगा तब मैं ना उसमें ऑयल रखूँगी। एयर भर गई इसमें, मेरे से तो नहीं खुला, पता वो बहुत टाइट हो गया, उसके अंदर एयर भर गया आई थिंक, तो नहीं हुआ। फिर एक बार और ट्राई करती हूँ। और ये रहा, मैंने खोल दिया। तो इस तरीके का है। और ना ऐसे सीसी में हेयर ऑयल रखने का मेन बेनिफिट ये होता है कि आप उसको एंड तक यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर ऊपर का जो माउथ होता है वो बहुत छोटा होता है, तो ऑयल के जो नीचे रह जाता है तो वो मोस्टली वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके के लिए आप स्किन केयर के लिए चीज़ें रख सकते हैं इसमें, हेयर के लिए, अब अपने जैसे यूजेस के लिए। हम लोग अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं ये। और एक लाई हूँ, एक सेट लाई हूँ कप का, बता ट्रांसपेरेंट कप में ना चाय, ग्रीन टी, कॉफ़ी पीने का जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है हमको और भाई, मतलब मेरे घर पे सबको पसंद है। तो पहले भी था, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा कि हम ट्रांसपेरेंट में कॉफ़ी या चाय वगैरह पीते थे, तो वो सारे टूट गए। तो आज लेके आए इस तरीके से कांच का, पूरा कांच का सेट है इसका, मतलब कोई भी पार्ट कोई भी तरीके से मेटल वगैरह नहीं है, फुल ट्रांसपेरेंट है। इसमें चाय रखेंगे, जो चाय लवर है उनके लिए, अगर जो दिखती हुई चाय होती है ना, हाँ उसका तो स्वाद ही अलग होता है, दिखने में मज़ा आती है देख के। और हम लोग पियेंगे इसमें ग्रीन टी, समटाइम चाय भी। तो ये पूरा सेट है 6 का। तो आज ना भैया ना दो दिन पहले बोल रहे थे भैया कि अब की ना एक प्रॉपर सेट लेंगे कांच का, लेकिन वो प्रॉपर बोल रहे, जिसमें कैटल भी होती है और सॉकर भी होते हैं, स्टैंड्स होते हैं, शुगर, मिल्क सब के बॉक्स होते हैं, वो बोल रहे थे भैया। तो वहाँ तो ऐसा दिखा नहीं, बट हम सोचे चलो जब तक वो लेंगे तो हम लोग ये ले लेते हैं, कांच के कप ही ले लेते हैं। तो आज शाम को अगर सब ठीक रहा, उनका मन हुआ चाय पीने का, तो आज शाम को इसमें भैया के लिए चाय बनाएंगे। और ये सुंदर सी जो ट्रे है ना, इसमें कुछ स्नैक रखेंगे। और ये दोनों सेट है, कितना मस्त लग रहा ना। तो बस यही थोड़ा सा लिया था, कुछ शॉपिंग करने तो हम गए नहीं थे वहाँ पे, कि हमें शॉपिंग करनी थी, वो तो सडन मुझे एक दुकान में दिख गया, तो हमने मम्मी चलो ले लेते हैं। तो बस ऐसे ही रास्ते चलते वाली शॉपिंग कर ली हमने। तो चाय नहीं पी है मैंने, और मैंने ना समोसा खाया, हाँ क्योंकि समोसा रखे थे वहाँ और थोड़ा सा मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने एक समोसे का बाहर का हिस्सा खाया है, आलू नहीं खाई, आलू वैसे भी मैं खाती नहीं हूँ, तो बस ऊपर का बाहर पर खाया। अब फटाक से पानी पिया और चले आए, चाय वाय नहीं पिए, चाय पियेंगे अभी, भैया आ जाएंगे तब, तो चलो चलते हैं। अब एक वीडियो पड़ा हुआ, काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं, दो दिन से मैंने वीडियो नहीं डाले कोई भी, तो अभी मैं एक वीडियो है वो एडिट करूँगी, और एज़ पर एज़ पॉसिबल हुआ तो मैं उसे आज ही डाल दूँगी, क्योंकि जो आज का व्लॉग है तो वो चला जाए कल, तो वो कंटिन्यूसली रहे। तो चलो बक बक नहीं करते हैं, फटाफट से काम करते हैं, ब्लॉग एडिट करते हैं और पोस्ट करते हैं। चलिए मैं मिलती हूँ। सो गाइस, खाना वाना हो गया है, खाना ना खा लिया है, टाइम हो गया है 10:15 बज रहे हैं, और सुबह से ना सुबह जल्दी उठे थे क्योंकि दो दिन से जिम जाने थे, तबीयत नहीं सही थी, और आज गए थे तो सुबह हम जल्दी उठ गए थे, 5 बजे मेरी आँख खुल गई थी, और अभी इतना टाइम हो रहा, दिन में भी टाइम नहीं मिला। वैसे हमेशा ये होता है कि ना मैं दिन में घर पे रहती हूँ तो मैं सो जाती हूँ, जैसे आपको पता है मेरे ब्लॉग्स में कि ऑलवेज मैं बोलती हूँ मैं खाना खा के सो गई थी, तो हमेशा ऐसा होता है, पर आज पूरा दिन बाहर थे तो बहुत ज़्यादा वाला टायर्ड फील हो रहा है, आँखें भी मेरी देख रहे हो कैसे नींद की वजह से हो रही हैं। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, आई होप आज का व्लॉग मेरा आपको अच्छा लगा होगा, मेरी लिटिल बिटिल सी शॉपिंग अच्छी लगी, कुछ अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा आपको उनमें से सबसे अच्छा क्या लगा।
मैं मिलती हूँ कल के एक न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। बाय बाय।